but your family's lives as well. सिर्फ एक नीच, सिर्फ एक नीच। डेमो आपको छोटा सा दे देता हूँ, सिर्फ एक नीच से एक बंदा जो कि इंशाल्लाह ताला इल्यूमिनाई पे भी होगा, मैं उसकी आपको वो तो बताऊंगा नहीं कि उसकी निशानी क्या होगी, बहरहाल व्हाटएवर 25 करोड़ वो कमा चुका है। ही इज एन एसिबिटियन मे बी फ्रॉम सेकंड और थर्ड बैच, 25 करोड़। दूसरे चले, दूसरा बंदा सिर्फ एक नीच से, सिर्फ एक नीच से उसकी कम से कम अर्निंग $1,000 पर डे है, $1,000 पर डे। इसी तरह सिर्फ एक नीच से एक बंदा जिसको वाई फाई ऑन करना था उसकी अर्निंग $2,000 पर मंथ है, सिर्फ एक 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 नीच, एक कीवर्ड से, बल्कि मैं कहूँगा एक कीवर्ड के छोटे वाले सब कीवर्ड्स को मिला के। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये कोई मिरेकल्स नहीं बता रहा मैं, ये मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना बना सकते हो, नहीं मैं कह रहा हूँ इतना बंदा बना रहा है और आपका फेलो है, आपका सीनियर है, इसी इकोसिस्टम का वो पार्ट था, यहीं पे आया और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचा। सो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है ब्लॉगिंग में और सिर्फ एक नीच के अंदर। अगर आपको एक नीच आपने अच्छा टाइम लगा के एक नीच फाइंड आउट कर ली, अच्छी प्रॉफिटेबल लेस कंपटीशन वाली, तो आपकी जिंदगी के लिए काफ़ी है, जिंदगी के लिए। दिस इज वाई वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन नीच रिसर्च। और मैं आपको भी यही इनकरेज करूंगा, HTML CSS नहीं आती थी, मैंने आपको कहा खैर है छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन नीच रिसर्च ना आई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, डिफरेंस समझ लो। HTML CSS नहीं आती छोड़ दो, नीच रिसर्च ना आई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, डिफरेंस आपके सामने है। अब आप यहीं से इंपॉर्टेंस का हिसाब लगा लो कि कितनी इंपॉर्टेंट ये सारा स्टफ है। और इसके बाद हम ये सब कुछ करेंगे कैसे, वी विल इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस अराउंड 6+ मैथड्स, मोस्ट ऑफ दम विल बी यूनिक इंशाल्लाह, वी विल डिस्कस अराउंड 6+ मैथड्स टू फाइंड प्रॉफिटेबल लो कंपटीशन। ठीक है, मेन हमें यही चीज़ चाहिए, प्रॉफिट भी हो लो कंपटीशन हो, ठीक हो गया। तो ये वाला काम हम डिलीबरेटली HTML CSS को मैंने खींच लिया ना, खत्म होने वाली चीज़ नहीं थी, चाह रही थी खत्म कर दी, इसको हम डिलीबरेटली स्लो लेके चल रहे होंगे, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि जो कुछ आप जो भी मेथड आप लर्न करो, आप सीखो, वो वाला मेथड आप उसी हफ्ते में अप्लाई करो, दिन रात बैठ के अप्लाई करो, सुबह शाम बैठ के इसको करो। इसके अंदर माफी वाला सीन नहीं है कि आप चलो जी छोड़ दो करेंगे देखी जाएगी फ्लाइट है, ठीक है, नो वैसा सीन। दूसरे नंबर पर मेरे जैसे लेजी बंदों के लिए खुशखबरी भी है, वैसे तो मैं आप ये बात वैसे डिस्कस करनी नहीं चाहिए और ना ही आज तक डिस्कस की है, बट स्टिल जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हमारा बन जाएगा, अच्छा उस पर सेलर जो होंगे ना सिर्फ फैसिलिटी होंगे, उसकी अच्छी बात ये है, जो बायर होंगे वो पूरी दुनिया से होंगे, उसकी मार्केटिंग हम करेंगे, सेलर सिर्फ आप लोग होंगे या आपके सीनियर्स होंगे, कोई और उस पर सेलर नहीं बन सकता, कोई और उस पर फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, बाय कर सकता है। और मेरा इंशाल्लाह प्लान ये है कि उसको कम से कम पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान का जितना भी काम है वो उसी से ही लोग करवाएं, कंपनीज बड़े बड़े ब्रांड्स करवाएं, और इसलिए हम उसकी क्वालिटी इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। तो मैं बात क्या कर रहा था, बात कहाँ पर निकल गई, अच्छा हाँ, तो अच्छी बात यह है कि आप मेरे से जो लोग पैसे वाले हैं उनको पहले चोरी उठेगी कि वो कहेंगे नहीं जी मैं जाके ना, अच्छा मुझे एक बंदा बताओ बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताओ, कहते सर वो फाइवर पे रिसर्च की सर्विस देते, कहते सर आपके बच्चे आपका जो क्राइटेरिया है वो यही वाला है, हाँ ये वाला है, कहते आपके बच्चे हमारे पास आए होते हैं फाइवर पे, वो ऑर्डर करते हैं नीचे ढूंढ दो, मतलब बड़े दहश होते हैं जो कहते हैं कि नीचे ढूंढ दो, खुद के नहीं ढूंढते। तो इसका हल हमने क्या किया कि भाई फाइवर पे जाने से बेहतर है कि पैसा बाहर जाए, पैसा विदिन एसिबिलिटी ही फ्लो करे, और हमारा जो सबसे पहला और सबसे जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि आप लोग पैसा बनना है, ठीक है। मेरा विदिन एसिबिलिटी में अपनी टीम के साथ भी कल भी डिस्कस करा था कि भाई पैसा बनाने दो लोगों को, डेफिनेटली जायज तरीके से जितना पैसा बनेगा वो एसिबिलिटी के लिए भी अच्छा है, वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, वो एसिबिलिटियंस के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल हर किसी के लिए अच्छा है। तो भाई पैसा बनाओ बस। अच्छा नीचे क्या करेंगे हम, अगर आप में से एक बंदा बहुत अच्छा है, अभी आपको बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, जो चाहता है ना कि यार मैंने किचन इनकम परेशान हूँ, मैं भी आपको आइडिया दे रहा हूँ पहला ही, मतलब हमने पाँचवें आज पाँचवें ना सेशन, हाँ सेशन फाइव है, मॉड्यूल टू सेशन फाइव, सेशन फाइव के अंदर पैसा बनाने का आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छा खासा पैसा बनाओगे, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ थोड़ा सा भी नहीं। अब आप नीचे रिसर्च के जितने भी मैथड सीखने जा रहे हो उनको घोल के पी लो और उन पर दिन रात एक कर दो, और जो क्राइटेरिया हम डिस्कस करते जाएं, क्राइटेरिया बेस्ड जो नीचे होंगी उनको ऐसे भी आई स्किल्स का जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उन पर जाकर बेचना शुरू कर दो, दुनिया भी आप चलेगी। इवन आपके जो फेलोज हैं जो बड़ी मगरमच्छी हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास पैसा बहुत है, आप ऐसे होंगे फेलोज, हमारे पास पैसा बहुत है हम क्या करना चाहते हैं, हमें कोई अच्छी चीज़ दो, अच्छी चीज़ ऐसी हो कि जो हमें लेट्स सपोज $1,00,000 का हमें एसेट बना के दे, ऐसी नीचे चाहिए हमें, ठीक है। तो आप क्या करो, आप नीचे इसको घोल के पी जाओ, रिसर्च करो, लिस्ट बनाओ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भेज दो, अपने फेलोज को भेज दो, विद इन ग्रुप आपको भेजने की जरूरत इजाजत नहीं है, मैं आपको बता दूँ आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हो, वो भी इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि जो किचन इनकम की वजह से परेशान हो और जो बिग एसेट बनाना चाहते हो लेकिन पैसे वाले हो,
ठीक है, पैसे वाले बाबू हो, तो आप दोनों के लिए मैंने रास्ते निकाल दिए। पहला रास्ता ये रास्ता नंबर वन है, जो कि आपको कम से कम इनिशियल पैसों से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की टेंशन से आजाद कर देगा इंशाल्लाह। कि जिसने किसी ने कम बनाया, जिसने यार मुझे 15-20-30 हज़ार रुपये महीने का बजट है, चलो फिलहाल खैर है। एक बंदा कहता है अच्छा यार 15 हज़ार मुझे एक ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे मैं 1 लाख डॉलर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। वाह वाह वाह, ये 15 हज़ार की बात ही है, अब उससे नीचे उठाओ और वो अपने 1 लाख डॉलर की जर्नी जो है स्टार्ट कर दे। इसके अंदर पूरा प्लान शेयर करना है, ये भी एक मैं आपको जरूरी चीज़ बताता हूँ कि पूरा प्लान जितना भी शेयर करोगे ना वो बेहतर है। कि नीच ये वाली है, मोनेटाइजेशन का जो मेथड है वो ये है, ठीक है, उसकी जो कैटेगरी है वो ये है, ठीक है, और जो कंपेटिटर का एनालिसिस जो हम डेफिनेटली आगे जाके करेंगे वो ये है, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक शीट बना के अपने पास आप नोट डाउन करोगे, जो भी हम आपको शीट वैसे देंगे उस शीट को एक नोट डाउन करोगे और वो जो है ना देते जाओ दुनिया को। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आप लोगों की तरफ से, ये पूछा भी जाता है, दिमाग में एम्बिग्युटी होती है कि क्या इस दौर में भी अनटैप्ड नीचेज मौजूद है दुनिया में। अनटैप्ड वो होती है कि जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर ना हो, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड ना हो, उसको अनटैप्ड करते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर लेट्स सपोज आप कहते हो कि हेल्थ की नीचे है तो वो सैचुरेटेड है, ठीक है, वो मतलब उसको टच ना करें, उसको ना छेड़ें तो ज्यादा बेहतर है। तो अनटैप्ड क्या होती है, जिन पे कंपटीशन भी कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी का भी मार्जिन मौजूद हो। तो अगर आप अनटैप्ड नीचेज, लो कंपटीशन नीचेज, हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाली नीचेज फाइंड आउट कर लेते हो, मतलब नहीं क्या कर सकते हो कि आज के दौर में हो सकता है, तो इसका सिंपल आंसर है यस। मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ के लाइव विदाउट प्रिपरेशन, ये और बात सुन लो कि मेरे लेक्चर की प्रिपरेशन नहीं होती, मैं फिर बताइए बोलता हूँ। सो जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि पिछले सेशन के पिछले लेक्चर में भी इस तरह के लेक्चर में सेम बातें मैंने की हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिस चीज़ ने मुझे करोड़पति बनाया वो मैं एज इट इज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो हो सकता है कि आपको बाजू का मेरी बात पसंद भी ना आए कि सर क्या कह रहे हैं यार, या ऐसा भी होता होगा, लेकिन मेरी ऑनेस्टी का ये ऑनेस्ट होने के लिए मुझे मतलब ये जरूरी है कि मैं आपके साथ वो चीज़ वो पसंद करूँ आपके लिए जो अपने लिए पसंद करता हूँ, ठीक है। सो सिंपल सी बात ये है। तो अगर आपको कोई बात पसंद नहीं भी आ रही तो दैट्स फाइन, बट इट वर्क फॉर मी, सो आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू सो दैट इट कैन वर्क फॉर यू एज वेल, और आप भी वही कर सकें जो चीज़ हमें लोग दी है। तो खैर ये सारी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि ये जर्नी आपका बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये तमीज इसलिए बांध रहा हूँ, आप लोग बोर ना हो जाइएगा। अच्छा, आप इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपने किसी ऐसी नीच के अंदर हाथ डाल लिया, किसी ऐसी नीच के अंदर हाथ डाल लिया जो कि थी हाई कंपटीशन, या जिसके अंदर आपका समझ लो कि औकात तो बाहर काम कर बैठे थी, कि हमारी औकात नहीं थी काम करने की, उसमें हम हाथ डाल बैठे, होगा क्या? होगा क्या? सबसे पहले आप क्या करोगे? आप इस हार्ट हो, दूसरे नंबर पर क्या करोगे? पैनिक करोगे। तीसरे नंबर पर क्या करोगे? बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों का, हालांकि मैं अपने हर लेक्चर में बैठ के ये बात करता हूँ, ये कहता हूँ कि भाई आप लोगों ने कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, बड़ा खेलना है, खुद पे अहतमाद रखो, इजी होके चलो, मंजिल आसान है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ द टाइम। इसके बावजूद जैसे मैं आज तकरीबन 5वां लेक्चर है ना, 5वें लेक्चर हर लेक्चर में बैठ गया हूँ कि भाई ये वाली चीज़ बैक बचने पहुंच रही है, ये वाली चीज़ बैक बचने पहुंच रही है, उसके बावजूद आप कुछ लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है, मतलब पल्ले पड़ती, इसी तरह ये वाली बात भी पल्ले नहीं पड़ेगी, और इन दी एंड वो क्या होंगे? डिसहार्ट होंगे, पैनिक करेंगे, और इन दी एंड क्विट करेंगे। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपकी जो शुरुआत है, आपका जो पहला इनिशियल समझ लो कि जर्नी का जो स्टार्ट है, वो नियर टू परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन के नियरेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए नीचे आपने नीचे रिसर्च पे जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात अब यहाँ तक हमारी क्लियर होगी, समझ आ गई। अब हम नीचे रिसर्च के ना कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ कि बहुत ही कैसे है। गूगल देखो, सिंपल सी बात है, आजकल क्या चल रहा है, नहीं देंगे। मैंने जो लॉन्चिंग की वीडियो थी, डिस्क्रिप्शन थी, उसमें क्लियर लिखा हुआ था। एक और काम मैं आपके साथ जरूर करूंगा कि आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टूर होता है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह फ्री दे दूं, हालांकि प्रॉमिस नहीं होता था हमारा।